आप चाहे इसे कितना भी क्रिंज कह ले या इस मूवी का एक्शन कितना भी इनलॉजिकल बता दे, मूवी को घंटा भी नहीं फर्क पड़ने वाला। ओ भाई साहब, मूवी को 7 दिन भी नहीं हुए और मूवी 300 करोड़ पार करने चली है। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है इंडियन सिनेमा में। गदर 2 ने सच में इतना ज्यादा गदर मचा दिया है कि लोगों की जो रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, थिएटर की जो पार्किंग दिखाई जा रही है, फिर लोगों का जो हल्ला गुल्ला दिखाया जा रहा है थिएटर में, भाई मैं तो पूरी तरीके से बौखला गया। मतलब हाँ, सिनेमा का क्रेज मुझे भी बहुत ज्यादा है और वो पठान के वक्त मैंने फील भी किया था, लेकिन अगर मैं पठान के कंपैरिजन में गदर को रखूं तो भाई पठान दूर दूर तक नजर भी नहीं आती है। अगर आप भी सनी पाजी के बहुत बड़े फैन है और आपको भी गदर 2 बहुत ज्यादा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इतना ज्यादा लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है और इतना ज्यादा इस मूवी को अपना बनाया है, इसलिए मैं लोगों को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा कि मुझे ये रियलिटी चेक देने के लिए कि हर एक सिनेमा रिव्यू के लिए नहीं होता है, कुछ कुछ सिनेमा बस फील करने के लिए होते हैं और हाल फिलहाल में गदर वही कर रहा है। हालांकि ये मूवी पाकिस्तान में बैन है, वरना वहां से भी कुछ ना कुछ चिल्लर कनेक्शन इस मूवी के लिए निकल ही आता। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को रोस्ट किया गया इस मूवी में, मुझे ये उम्मीद तो थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मूवी को बैन जरूर करेगी। इस मूवी के कलेक्शंस ने मुझे हैरान तो कर ही दिया है, लेकिन मैं ये सोच के बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि अगर ओ माय गॉड 2 रिलीज ना होती तो इस मूवी के कलेक्शन क्या होते। क्या सारे सिग्नल सारे फाटक तोड़ के ये मूवी पठान के भी रिकॉर्ड तोड़ देती? मेरे ख्याल से भाई जरूर तोड़ देती। और यही से मुझे ये भी आइडिया आया कि इतने साल तक सिनेमा से दूर रहने के बाद में भी सनी पाजी का जरा भी क्रेज खत्म नहीं हुआ है। लोग इन्हें इस कदर और इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि इनकी बाकी सारी मूवीज की भी और ज्यादा चर्चा होने लगी है। और वही से मुझे ये आइडिया है कि सनी पाजी की ना जाने कितनी मूवीज है, जैसे कि बॉर्डर, इंडियन, माँ तुझे सलाम, द हीरो, न जाने कितनी ऐसी देशभक्ति पर सनी पाजी की मूवीज है। अगर इनका अगर रिमेक्स बनता है या फिर इनके सेकंड पार्ट आते हैं तो कितना ज्यादा हल्ला होगा इससे। और भाई ये मुझे चीजें बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रही है और सच में वो दिन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा अगर बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि ये मूवी सच में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। हाल फिलहाल में जब 15 अगस्त को ये मूवी मैंने फिर से देखी, भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और सनी पाजी की हर एक मूवी इतनी ज्यादा दमदार है, स्पेशली देशभक्ति को लेकर, कि उसके सेकंड पार्ट आराम से बन सकते हैं। और लोगों ने ये तो दिखा दिया है कि अगर आप देशभक्ति पर मूवीज लाएंगे, अगर अच्छा कंटेंट होगा तो लोग उसे जरूर पसंद करेंगे और इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि मेकर ने सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा कलेक्शन लेके जाएंगे। अगर आप जनता की पसंद की मूवीज लाओगे तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई होगी ही, लेकिन जनता से बहुत ज्यादा आपको प्यार भी मिलेगा। और जो कोई नहीं कर सका वही सनी पाजी ने और रनी शर्मा ने करके दिखाया है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया इतना ज्यादा है गदर 1 का। और किसी भी इंडियन हीरो को पाकिस्तान में जाके हल्ला गुल्ला मचाते हुए देखना हर एक इंडियन के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। और भाई इसी पे ये मूवी खेल जाती है, और सच कहूं तो मैं बहुत ही बढ़िया खेल जाती है, बहुत ही अच्छे अंदाज में और गुड वे में खेल जाती है, और यही लोगों को देखना पसंद भी है। सोचो अगर इंडियन या फिर बॉर्डर या फिर मा तुझे सलाम या फिर द हीरो मूवी में से किसी भी मूवी का अगर अगले 15 अगस्त को सेकंड पार्ट आ जाता है तो अभी से कितना ज्यादा क्रेज रहेगा लोगों का इस मूवी के लिए, क्योंकि भाई सनी पाजी इतने ज्यादा फेमस है एक्शन के मामले में। और स्पेशली 90s का दौर, जो देशभक्ति पर उनकी मूवीज आई है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी रही है और लोग इसे देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप गदर 2 का ही उदाहरण देखें तो बहुत ही ज्यादा फेकू एक्शन है, लोगों को पता है कि ये पूरा इनलॉजिकल एक्शन है, फिर भी भाई देखना पसंद है, क्योंकि भाई सनी पाजी को वो दमदार एक्शन सूट करता है और देखा जाए तो बस सनी पाजी ही ये कर सकते हैं। और शायद गदर 2 हमें ये भी समझाने की कोशिश करती है कि सिनेमा को सिनेमा के अंदाज से ही लेना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा लॉजिक या फिर रियलिटी के चक्कर में सिनेमा का एंटरटेनमेंट गवा बैठते हैं। और गदर 2 वही फील करवाती है कि बस आपको इस सिनेमा को फील करना है, इंजॉय करना है और खुद को एंटरटेन करना है, ना ही ज्यादा रियलिटी पे ध्यान देना है और ना ही ज्यादा लॉजिक पे ध्यान देना है, क्योंकि ओवरऑल ये एक सिनेमा है बस। अगर आपने अब तक गदर 2 नहीं देखी है तो भाई ओटीटी पे आने का इंतजार मत करो, इस मूवी को थिएटर में जाके एंजॉय करो, क्योंकि ये मूवी थिएटर के लिए ही बनी है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि मैंने 3 बार सिंगल स्क्रीन पे देखी तो इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला था और इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि भाई मैं क्या बताऊं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इंडियन सिनेमा की और गदर 2 की और सारी अपडेट्स इस चैनल पे लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलता हूं अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।